तो है गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, माता रानी सबको अच्छा रखे। तो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ा अंधेरा हो गया, शाम का टाइम हो रहा है, और मतलब रात ही होने जा रहा है। अभी मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने, तो चलिए बनी रहे, मैं दिखाती हूँ आपका रात में खाने में मैं क्या बनाती हूँ और कैसे कैसे बना रही हूँ, दिखाऊंगी आप लोगों को। और आज सुबह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बिजी थी मैं बहुत ज्यादा, घर में बहुत काम था। संडे है ना, तो संडे को काम तो रहता ही है, साफ सफाई रहता है। फिर मंदिर भी जो नीचे रखी थी उसको भी ऊपर करवाए, देखो ये मंदिर जो थी ये नीचे रखी थी तो इसको भी ऊपर ऊपर रखा है, ऊपर लगवाया, क्योंकि नीचे दिक्कत हो रही थी टेबल के ऊपर थी। टेबल पे थोड़ा बहुत काम में आता है कपड़ों के, जैसे ऊपर से कोई कपड़े ले आए, जो धुला हुआ कपड़े रहते हैं सूखने देते हैं, वो कपड़े छत से ले आके तुरंत तो मैं तय नहीं लगा पाती हूँ, तो वो टेबल पे रखती हूँ। इसलिए अभी क्या हो रहा था, बेड पे रखना पड़ रहा था, इसलिए वो उठा दिया, मंदिर ऊपर टांग दिया। और अभी कपड़े का जो है वो ये हो गया, और इतना सारा कपड़े है मुझे अभी तय लगानी है। और बिस्तर भी पूरा उलट पुलट हो रखी है, बिस्तर भी पूरा सही करनी है अभी। मतलब सुबह से इतना बिजी थी कि कुछ मैं साफ सुबह की नाश्ते भी नहीं किया था, चाय तक नहीं पी थी। रात दोपहर की शाम के 4 बजे मैंने खाना खाई, शाम के नाश्ते में। तो चलिए अभी अभी शाम का तो खाना हो गया, मतलब शाम का नाश्ता हो चुका है, अभी चलते खाने की तैयारी करते। अभी टाइम 8 बज रहा है, तो जाती हूँ खाने की तैयारी करती हूँ, क्या क्या बनाऊंगी आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो है गाइस, अभी मैं इधर किचन में आ चुकी हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। और किचन में आके मैं सबसे पहले दाल चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि ये दाल जब तक उबलती रहेगी जब तक मेरा और काम जो है सब्जी वगैरह काटना, फिर लहसुन प्याज ये सब छीलना हो जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले दाल चढ़ा देती हूँ। ये उबलता रहेगा और साइड पर मेरा काम भी होता रहेगा। स्वागत है आपको आपका मेरी ब्लॉग में। हाँ जी, आपका मेरे ब्लॉग में। हाँ, मेरी ब्लॉग वीडियो में स्वागत है आपका। अच्छा अच्छा, तो मेरी दिखा रही हो तो तभी तो तुम्हारी स्वागत है। मेरी स्वागत। अच्छा अच्छा, तो थैंक यू। क्या खा लो? मूंगफली। गाइस, यहाँ पे मेरी अभी भिंडी में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं मसाला भिंडी बनाऊंगी अभी। और इधर मैंने आलू भी फ्राई कर लिया, और ये मसाला भिंडी के लिए मैं मसाला पीसूंगी अभी, जो फोकस मिल जाएगा इसमें। जीरा और सरसों वगैरह सब डाली हूँ, और यहाँ पूरी भिंडी फ्राई, अभी और भी भिंडी है वो भी फ्राई बन चुकी है, अभी ये बना रही हूँ और बना लेती हूँ। पर अंधेरा आ रहा है क्योंकि लाइट चली गई अभी, इसलिए ऐसे अंधेरा सा आ रहा है। सही है, अभी नहीं लाइट चली गई अभी, जैसे सिलवट्टे मैंने लिया है पीछे का, तो कौन सा लाइट आ गई पता नहीं, ऐसे मेरे साथ ही होता है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कौन कौन सिलवट्टे में पीसते हैं, उसमें मसाला पीसते हैं कौन कौन। हमारे घर में तो चलती ही है, कम चलती है चलती है। तो है गाइस, अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, और कल रात को मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, और मेरा खाना वगैरह सब बन चुका था क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा ये ब्लॉग, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।